यूरोप है सब जगह, यहाँ तक कि जो हाई पोजीशन के ऊपर लोग हैं वहाँ पर भी ये समस्या है। और उसकी जड़ में अगर हम जाएं तो हम ये ज़रूर समझेंगे कि वो जो किसी की क्या समस्याएं होती हैं जब वो किसी जॉब में जाते हैं या कोई काम करते हैं। महिलाएं घर से निकलती हैं, उनके साथ में परिवार है, सब है, और जब वो जॉब में जाते हैं और वहाँ पर उनको किसी तरह का भी हैरेसमेंट होता है तो वो कुंठा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका ट्रॉमा कितना बड़ा होता है और उसके कितने घातक परिणाम होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा जो जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है या इसके ऊपर विचार करने के लिए बहुत समय चाहिए। और यहाँ पर हमारे कई प्रवक्ता हैं, अभी कई हमारे स्पीकर्स हैं जिनको इस सब्जेक्ट पर और उस पर बोलना है। बहुत कम समय में यह ऑर्गेनाइज किया गया है और कम समय में ये बताया गया, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज ऐसे डिस्कशंस होने चाहिए, ऐसे सेमिनार्स होने चाहिए जो समाज के हर वर्ग में ये बात गहराई तक जा सके और लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो कि हाँ, हमें क्या, हमारी एक जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति और उन सारे लोगों के प्रति जिसके लिए हम काम करें एकजुट होकर, और तभी उस समस्या का समाधान निकल पाएगा। मैं समझता हूँ अभी और लोगों को भी वक्त देना है, इसलिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम का, उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया, इसका शुक्रिया। और अभी आज इस सेमिनार में जो भाव और जो चीज़ें हैं वो दूर तक मैसेज ले जाएंगी और इसका रिजल्ट समाज में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सईद सर। अब मैं इस बारे में अपने विचार साझा करेंगे।